आज के इस वीडियो में सुपर सुपरवासमो से जुड़े चार सवाल जो कि सारे लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हैं उसका जवाब मैं देने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सबसे पहला सवाल बालों को काला करता है दूसरा बाल यह हेयर ऑयल है या हेयर कलर है क्या यह सभी को सूट करता है क्या बालों की यह लंबाई बढ़ाता है तो फ्रेंड इन चारों सवालों का जवाब मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रही हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में सुपर मूल से रिलेटेड सारी बातें मैं करूँगी तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है फ्रेंड क्या ये बालों को काला करता है तो हाँ फ्रेंड ये बालों को काला करता है ये जो है ये ऑयल बेस्ड हेयर कलर है और ये हमारे बालों को काला करने के साथ साथ बालों को स्मूथ भी बनाता है और बालों के ग्रोथ को भी बढ़ाता है और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सुपर वाशमूल से आप तो बालों को काला करने से पहले फ्रेंड अगर आपके बालों में कभी कभी होता है क्या कितने लोग बोलते हैं मेरे बालों को ये काला नहीं कर पाता है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बाल को जब भी इससे काला करने की कोशिश कीजिए कलर करने की कोशिश कीजिए तो आप सबसे पहले बालो पे बालों पर शैम्पू जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि फ्रेंड बालों पर शैम्पू अप्लाई करने से होता है क्या कि बालों की जितनी भी गंदगी होती है वो सारे निकल जाते हैं चिपचिपाहट जितनी होती है वो सारे बाहर निकल जाते हैं यहाँ तक कि ऑयल वगैरह भी अगर रहता है बालों के जड़ों में तो वो भी निकल जाता है अच्छी तरह से उसके बाद आप एक घंटे के बाद बाल को सूखने दीजिए एक घंटे के बाद बालों पर अप्लाई कीजिए तो बाल बहुत अच्छी तरह से ये कलर करता है बिल्कुल नेचुरल कलर करता है अब बिना किसी बिना किसी हानि के तो फ्रेंड ये तो था आपका कि बालों को काला करता है या नहीं करता है अब दूसरा सवाल है फ्रेंड कि ये बालों को या क्या ये हेयर ऑयल है या हेयर कलर है तो फ्रेंड मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये हेयर ऑयल बेस्ड हेयर कलर है यानी कि ये ऑयल भी है और कलर भी है क्योंकि फ्रेंड आप देख सकते हो ये लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे मैं पहले से निकाल के रखी हूँ ये लिक्विड में आता है ये पाउडर नहीं है ये जो है फ्रेंड ये लिक्विड है सुपर वाशम थर्टी थ्री ऑयल बेस्ड हेयर कलर है जैसा कि आप देख सकते हो इस पर खुद ही रैपर पर लिखा हुआ है तो फ्रेंड इसको कर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको घोलने का भी टेंशन नहीं रहता है और ना ही आपको कहीं से बाज़ार से मतलब कि अलग से आपको किसी तरह के पानी वगैरह कुछ भी मिलाना पड़ता है तो ये बिल्कुल बना बनाया हुआ आता है एक बार आप लाओ और आराम से इसे लगाओ और यहाँ तक कि आप रात में भी लगा करके इसे सो सकते हो ठीक है तो अब चौथा सवाल है फ्रेंड कि तीसरा सवाल है फ्रेंड कि क्या ये सभी को सूट करता है तो फ्रेंड ये सूट करने ना करने से कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मतलब ये है कि आप जब भी लगाते हो हालांकि ये सबको सूट करता है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सूट करने ना करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हालांकि सबको सूट करता है मोस्टली सभी लोगों को ये सूट करता है आज दिन तक तो किसी तरह की कोई शिकायतें नहीं आई है अभी तक हाँ लेकिन अगर आप मतलब कि ओल्ड एज में हो यानी कि आपकी एज अस्सी पचासी से ऊपर है कभी कभी होता है कि हमारी नानी दादियों को भी शौक़ लग जाता है तो हाँ वैसे सिचुएशन में आप बालों को कलर करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए क्योंकि हो सकता है उस एज पे ना भी सूट करता हो अगर आपको सूट नहीं करेगा तो क्या क्या होता है तो फ्रेंड अगर आपको सूट नहीं करेगा तो खुजली होती है और थोड़ा बहुत जलन होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका और कोई दिक्कतें नहीं आती है इसको लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं होती है बाल आपका खराब नहीं होता है बाल आपका जैसा का तैसा रहता है हाँ थोड़ी बहुत खुजलाहत वगैरह स्किन वगैरह में होती है और कुछ नहीं होता है फ्रेंड इससे कोई डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है और बात आती है कि क्या ये बालों की लंबाई को बढ़ाता हाँ ये हंड्रेड परसेंट गारंटी मैं दूंगी कि ये बालों की लंबाई को बढ़ाता है अगर आपको बालों की लंबाई बढ़ानी है तो इस हेयर ऑयल को आप लगाना शुरू कीजिए आप देखिएगा कि दो से तीन हफ्ते में ही आपका जितना भी छोटा छोटा हेयर है देखिएगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा लेकिन अब दो हफ्ते तक इसे आप ज़रूर लगाइए और कीमत की बात की जाए फ्रेंड तो ये सिक्सटी रुपीज़ में आता है और ये इजिली आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा सुपर वासमोल हेयर ऑयल आप बोलोगे ऑयल वेस्ड हेयर कलर तो आप आपको थर्टी थ्री निकाल के दे देगा तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट हमें ज़रूर किया कीजिए अच्छी लगी या नहीं लगी और लाइक किया कीजिए फ्रेंड क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चल जाता है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर